हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 वर्ल्ड, जिसमें आज हम बताने वाले हैं आपको निकोन D72 का बेसिक यूज़ क्या है, मतलब जो बटन्स वगैरह का यूज़ है, या आप ट्यूटोरियल बोल लीजिए या डेमोस्ट्रेशन बोल लीजिए। तो आपको जो जिनके पास D7200 है या लेना चाहते हैं और जिनको बिल्कुल इस कैमरे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है। जो पहले से इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। तो आज मैं बेसिक चीज़ें इसकी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से बटन्स आप यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इन बटन्स का यूज़ है, प्लस फंक्शन वगैरह कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या आप सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नया वीडियो। तो आपके सामने रखा हुआ है अभी D7200। सबसे पहले बात करते हैं इसका लेंस चेंज कैसे करते हैं। तो देखिए, दोनों ही एक बॉडी में वाइट डॉट होता है, जहाँ तक आप देख सकते हैं मेरे अंगूठे के पास में है, और एक लेंस में वाइट डॉट होता है। तो अगर आपको लेंस करना नहीं, जहाँ तक है सबको आता है लेकिन किसी को नहीं आता है, तो मैं बता देता हूँ कि वाइट डॉट से वाइट डॉट मिलाना है, फिक्स करना है और रोटेट करना है। अब ये कट की आवाज़ आएगी हल्की सी, मतलब आपका लेंस फिक्स हो चुका है। निकालना हो आपको तो ये वाला बटन है जो मेरे अंगूठे के आप पास में आप देख सकते हैं, इसको प्रेस करना है और वापस वाइट से वाइट मिला के आपको निकालना है। तो ऐसे ये बिल्कुल ईजिली है। चलो, ये तो हो गई बात आपके लेंस चेंज करने की। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग की, कि ऑपरेट कैसे करना है। तो इसमें देखिए, ये ऑन ऑफ का बटन आता है, ये ऑफ हो गया, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ भी है ऑफ, और इधर करोगे तो ऑन हो गया। हाँ, आगे भी एक सिग्नल दिया हुआ है, ये लाइट का है, मतलब अगर आप नाइट में यूज़ कर रहे हैं, लो लाइट में यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी जो ये स्क्रीन है इसके अंदर एक लाइट भी जलती है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये आप आगे करेंगे तो ये देखिए लाइट जल गई है, ठीक है, तो ये लाइट के लिए है, और वापस करेंगे तो बंद हो जाएगी। अभी आपने कैमरा ऑन कर लिया है, ठीक है, फिर यहाँ से आप जूम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जूम है, अभी मैंने जो लेंस लगा, तो लेंस है 18 से 140 mm तक का ये लेंस लगा हुआ है इसके अंदर। तो और जैसे कोई भी आपको इमेज कैप्चर करनी हो तो ये कैप्चर बटन है, यहाँ पे आपको डबल प्रेस करना है। पहले हाफ़ प्रेस करेंगे तो एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ आएगी, देखिए, ठीक है, ये क्लिक की आवाज़ आ रही है, मतलब ये कैप्चर नहीं हो रहा है, ये कैमरा आपका फोकस कर रहा है, आप क्लिक की आवाज़ सुन सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। और फुल प्रेस करेंगे आप, दबा के रखिए इसको, तो कैप्चर होगा, कैप्चर की इमेज। हालांकि जब नया डिफ़ॉल्ट कैमरा आता है तो इसमें यहाँ पे आप अगर कोई भी इमेज कैप्चर करते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं आती, वो कहाँ से आएगी वो बता देता हूँ आपको। मेन्यू बटन दबाना है, मेन्यू में कई सारे ऑप्शन खुलेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर ही ऊपर प्लेबैक मेन्यू में जाना है, और प्लेबैक मेन्यू में इमेज रिव्यू का ऑप्शन आता है, इसको आपको ऑन करना है। इमेज रिव्यू जैसे ही ऑन होगा तो अब आप कोई भी इमेज कैप्चर करेंगे, जैसे आपके सामने मैं एक इमेज कैप्चर करके बता देता हूँ, तो वो आपको लाइव इसमें दिखाई भी देगी, ठीक है। ये तो होगी बात कैप्चरिंग की। अब इसको लाइव मोड पे कैसे करना है, ये LV बटन दिख रहा है आपको, तो ये यहाँ से आप लाइव मोड करके भी इसमें इमेज कैप्चर कर सकते हो, लाइव आ गया है ये देखिए, ठीक है। अब इसमें आप इमेज भी कैप्चर कर सकते हो, और मूवी रिकॉर्ड करनी है तो ये LV के इधर भी एक बटन दिया हुआ है, ये पॉइंट जब ये रिकॉर्डिंग की साइड में होगा तो इसका रिकॉर्डिंग का मोड स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ से रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग मोड पे कर लिया है आपने लाइव मोड करके। अब ये जो रेड बटन दिख रहा है, बस रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए इसको दबाना है, और ये देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग का साइन आ गया है, तो ये रिकॉर्डिंग इसकी चालू हो गई है। रिकॉर्डिंग में आप कर सकते हो, इसमें फोकस आप मैनुअल रखना चाहो मैनुअल भी रख सकते हो, ऑटो फोकस भी रख सकते हो, फुल टाइम ऑटो फोकस भी रख सकते हो। आप सबको पता नहीं होता है कि ये कहाँ से चेंज होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ एक बार, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है AFS का, ठीक है, जो कि आप इजीली देख सकते हैं स्क्रीन पे, AFS है। तो इसको चेंज करना है आपको यहाँ से, ये ऑटो फोकस मैनुअल फोकस का जो बटन देख रहे हो आप, ठीक है, आपको ईजिली दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, ये मैं दिखा देता हूँ अच्छी तरह। तो इस बटन को आपको हल्का सा दबा के रखना है, मतलब छोड़ना नहीं है, बस दबा के रखना है, दबा के रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये येलो में हाईलाइट हो गया है, ये पहले AFS नॉर्मल आ रहा था, अब देखिए मैंने छोड़ दिया है तो नॉर्मल हो गया, वापस दबा रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो गया है। अब इसको क्या करना है, आपको AFF पे भी कर सकते हैं, मतलब फुल टाइम ऑटो फोकस, और AFS पे करेंगे तो सिंगल सर्वो ऑटो फोकस, ठीक है। अब इसको आपको मैनुअल फोकस करना है तो कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से आपको इसको MF पे डालना है, ये यहाँ से मैनुअल फोकस, ये ऑटो फोकस हो गया आपका और ये मैनुअल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने
ऑटो फोकस ही कर लिया है मान लीजिए। चलो ये बात समझ गए होंगे, अब आप मूवी रिकॉर्डिंग आपके लिए इजीली हो गया होगा। जो भी आप मैनुअल फोकस करना चाहें, सिंगल फोकस रखना चाहें या फुल टाइम ऑटो फोकस रखना चाहें, वो आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं कोई भी इमेज या वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है वो देखना कहाँ से है। तो ये प्ले का बटन है, इसको आप प्ले करोगे तो ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है, प्लस कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है, ये तो आपकी रिकॉर्डिंग है। और ये इधर से ओके के बटन से आप आगे पीछे कर सकते हो, और जो नॉर्मल आ रही है ये आपकी इमेजेस है तो आप देख सकते हो। प्लस आपको इमेज को जूम करके देखना है तो ये प्लस का बटन है जूम ज़्यादा करने के लिए, और ये माइनस का बटन है जूम कम करने के लिए। तो ये भी आप इजीली इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई इन्फॉर्मेशन का बटन है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन इसकी चल रही है कैमरे की, अब यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब ये इन्फॉर्मेशन का बटन दबाएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन की आपकी शटर स्पीड क्या, अपर्चर क्या, ISO क्या है, ये आप इसमें ईजिली देख सकते हो, ठीक है। अब कोई भी इमेज आपने प्ले किया है उसको डिलीट करना है तो ये डिलीट का बटन है, इसको दो बार दबाना पड़ता है, पहले दबाओगे तो कन्फर्मेशन मांगेगा कैमरा और दोबारा दबाओगे तो डिलीट हो गई। अब वो इमेज आपकी डिलीट हो चुकी है जो अभी आप देख रहे थे, ठीक है। यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा बात करें इसके मोड्स की, तो ये इसके मोड्स हैं जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मोड कैसे चेंज करते हैं, इस बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है और फिर यहाँ से इनको चेंज कर, अगर आप डायरेक्टली चेंज करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है इसका डायल आपका टूट जाए, तो इस बात का भी थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसको हल्का सा बीच वाली उंगली से दबा के रखना है और फिर आपको अंगूठे और एक उंगली से रोटेट करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे आप मोड चेंज कर सकते हैं, जो व्हाइट पॉइंट के सामने रहेगा वो मोड एक्टिवेट रहेगा। ये ग्रीन वाला जो है ये ऑटो मोड है, ऑटो मोड का मतलब आपकी कोई भी सिचुएशन कंडीशन किसी भी टाइप के इंडोर आउटडोर कैसी भी आप सिचुएशन में इमेज कैप्चर कर रहे हो तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपको बेस्ट सेटिंग दे देगा। ये है ऑटो फ्लैश ऑफ, इसमें आप विदाउट फ्लैश कैप्चर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ऑटो में क्या है, फ्लैश ऑटोमेटिकली रहता है कि रिक्वायरमेंट होगी तो फ्लैश फायर करेगा। जैसे यहाँ इसको नहीं लग रहा कि इसको फ्लैश फायर करना है, अब जैसे देखिए मैं थोड़ी इसको डार्क कर देता हूँ, आगे हाथ लगा लिया है मैंने, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने फ्लैश ऑन कर दिया है। तो आप अच्छी तरह देख सकते हो जैसे ही मैंने प्रेस किया थोड़ा डार्क मेरा हाथ आगे लगा के, तो इसने फ्लैश ओपन कर दिया। तो ये ऑटो पे ऑटोमेटिकली रहता है। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप फ्लैश ऑफ मोड भी यूज़ कर सकते हो, और फिर बाकी यूज़र मन सीन्स मोड है। सीन्स मोड में जैसे कि आपने मोबाइल वगैरह में भी देखा होगा कि पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्पोर्ट मोड, चाइल्ड मोड, माइक्रो मोड जो भी हैं वो सारे इसके अंदर मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे वो बता देता हूँ। ये वाइट के सामने आपको सीन्स मोड पर रखना है कैमरे को, लाइव मोड पर कर लिया है आपने कैमरे को, ठीक है। अब जब ये जो ये रिंग है डायल रिंग, इसको आप रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आप सारे सीन्स देख पाएंगे। सॉरी इसलिए नहीं देख पा रहा है क्योंकि ये मूवी रिकॉर्डिंग पे है, ये भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, मैं भूल गया था। तो इसको आपको इमेज मोड पे लाना पड़ेगा पहले, और अब आप रोटेट कीजिए तो ये देखिए सारे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, चाइल्ड मोड, स्पोर्ट मोड ये सारे दिख जाएंगे। ऐसे ही एक और चीज़ आती है वो है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट में अलग से आपको क्रिएटिविटी करनी हो तो आप इसको इफ़ेक्ट मोड पे भी लगा सकते हो, ये देख सकते हो। इफ़ेक्ट में अलग अलग टाइप की क्रिएटिविटी करने के लिए अलग अलग मोड आते हैं, इसको भी आपको इसी डायल से रोटेट करना है तो आप देख सकते हो। जैसे कि नाइट विज़न है, कलर स्केच है, मिनीचर इफ़ेक्ट है, सेलेक्टिव कलर हैं, ऐसे करके 8 टाइप के इसमें इफ़ेक्ट आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जो है वो मैनुअल कंट्रोल है, जैसे फुली मैनुअल हो गया आपके, इसके आगे अपर्चर प्रायोरिटी मोड हो गया, फिर आपके शटर प्रायोरिटी मोड हो गया, ऐसे करके बाकी सारे मोड्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया आपके मोड डायलर। उसके बाद में है आपको रिलीज मोड कहाँ से सेट कर सकते हो, भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये हल्का सा छोटा सा बटन दिख रहा है देखिए। तो यहाँ से आपको इसको प्रेस करना है और फिर इस नीचे वाली रिंग को घुमाओगे तो यहाँ से रिलीज मोड आप चेंज कर सकते हो। जैसे सिंगल है, कंटिन्यू लॉन्ग है, कंटिन्यू हाई है। कंटिन्यू हाई पे जो इसकी स्पीड रहती है वो आपके 7 फ्रेम पर सेकंड ही रहती है, मतलब कि कंटिन्यू हाई पे आपने लगा दिया है और प्रेस करते जाओ तो ये इमेज कैप्चर करता जाएगा। ऐसे ही आप सेल्फ टाइमर भी यूज़ कर सकते हो, प्लस मिरर अप भी है इसमें, तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इनको, इसको दबा के रखना है और फिर चेंज कर सकते हो।
उसके अलावा लेंस की बात करें तो लेंस में ये देखिए दो ऑप्शन आते हैं। कई बार मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं, ज़्यादातर लेंसेज के लिए में यही दिक्कत होती है कि अगर आपका लेंस मैनुअल फोकस पे लगा हुआ है तो आपका कैमरा ऑटो फोकस नहीं करेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना है, जिससे आपके पास में 5300 कैमरा हो, 3200 हो, कोई भी XYZ कैमरा हो, अगर ये बटन अगर पीछे की साइड में मैनुअल फोकस की तरफ है और आप कितनी भी किसी भी सिचुएशन में कैसे भी इमेज कैप्चर कर लो, वो ब्लर ही आएगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कैमरा अगर इमेज ब्लर दे रहा है तो पहले सबसे पहले इस बटन को चेक कर लें कि ये एम की तरफ है या ए की तरफ है। ये हमेशा ए की तरफ होना चाहिए। ए का मतलब हो गया आपके ऑटो फोकस, एम पे हो गया मैनुअल फोकस, मतलब आपको ये रिंग घुमा के फिर फोकस करना पड़ता है। प्लस इसके नीचे एक और ऑप्शन आता है VR का, वाइब्रेशन रिडक्शन, तो ये भी हमेशा ऑन ही रहना चाहिए। ये ऑफ सिर्फ कब रहता है, जब आप ट्राइपोड पे कैमरा यूज़ कर रहे हों तो ये ऑफ मोड पे रहता है, वरना आपको इसको ऑन ही रखना है। सेम यही चीज़ ये बॉडी के अंदर भी मोटर है, तो ऑटो फोकस मैनुअल फोकस आप यहाँ से भी कर सकते हो। और ये जो मैंने डेमोस्ट्रेशन दिया है, मतलब थोड़े बहुत बटन्स वगैरह का जो बेसिक यूज़ मैंने ये बताया है आपको, ये 7000 सीरीज़ के सारे मॉडल पे अप्लाई होता है, जिसे वो 7000 हो, 7100 हो, 7200 हो, या अब जो लेटेस्ट आया है 7500, उसमें भी आपको बटन्स का सेम यही यूज़ रहेगा। तो दोस्तों, हो सकता है इसका मैं एक 7200 का एक एडवांस भी आपको ट्यूटोरियल ला के दूंगा या डेमोस्ट्रेशन ला के दूंगा, ये बिल्कुल, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी लगभग हमारा वीडियो 9 मिनट के आसपास हो चुका है, तो आप भी बोर हो जाएंगे इतना बड़ा वीडियो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे किसी दिन कभी फुर्सत होगी तो मैं इसका एक एडवांस वर्जन भी लेके आऊँगा, जिसमें आपको और टेक्निकली थोड़ी अच्छी तरीके से 7200 की जानकारी देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ, आपसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उसके लिए भी हमारा परिवार अब बहुत बड़ा हो चुका है, 50,000 का हो चुका है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में हम फिर से एक अच्छी चीज़, अच्छा एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।